सबसे पहले मैंने लिया है एक कुकर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप भर कर तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी साइज़ की प्याज, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिए, और एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने से रफली कट कर लिया। अब प्याज और टमाटर को मैं तेल में 1 से 2 मिनट के लिए पकाती हूँ, भूनती हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम के करीब मटन। मटन मैंने क्लीन करके वॉश करके रखा है, मटन को भी इसमें डाल दें। फिर मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा आधी चम्मच के करीब नीली मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर के अखा जीरा ले, 1 चम्मच भर के नमक या नमक स्वाद अनुसार ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको कितना चाहिए, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ले। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से गोश्त में भून लेती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुकी है अच्छे से भुनने के बाद, अच्छी इसकी भुनाई कर ली है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 ग्लास के करीब पानी, और 2 कप के करीब तुअर की दाल ली थी, इसको मैंने सोक कर कर रखी थी 2 घंटे, और इसमें डाली थी मैंने 2 मुट्ठी भर कर मसूर, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर ली और दाल में ऐड कर दी। अब इसके हम कुछ सीटी चला लेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। चलिए हमारा गोश्त गल चुका है, अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें डालती हूँ, जो कि है 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच भर के दाल गोश्त मसाला। अगर आपके पास दाल गोश्त मसाला ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी ये टेस्टी बनेगी। बस इसमें आपको ज़्यादा ये डालना है कि 1 चम्मच भर के जो आपने लाल मिर्च पाउडर लिया था, उसके बजाय आपको 2 चम्मच भर के लेना है। देखिए मैंने भगार रेडी किया है, बहुत सारा लहसुन लेना है, अखा जीरा लेना है, काकड़ा मिर्च लेनी है, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर का छमकार देना है साथ में, से बढ़िया टेस्ट आता है हमारी दाल का। देखिए हमारा दाल गोश्त बनकर तैयार है। देखिए साथ में मैंने इसके बनाया है गुड़ वाले चावल। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साइड पर होगा बेल बटन उसको भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आने वाली आपको जल्दी मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।